नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं दुर्गेश मिश्रा। आज हम पहुंचे हैं जनपद सीतापुर के विकासखंड रामपुर मथुरा के बाढ़ प्रभावित इलाके परमगोंडा में। एक जानकारी आपको दे दें कि परमगोंडा जो गांव था सीतापुर जनपद का लास्ट बॉर्डर माना जाता है उसको, और उसके साथ में शंकरपुरवा है, जो दोनों गाँव पूरे तरीके से उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। इस बार जो कटान हुई उस कटान में लगभग 10 से 15 मकान परमगोंडा में थे, उनका पूरी तरीके से अस्तित्व समाप्त हुआ है और वो मकान ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ के लोग प्राथमिक विद्यालय कलुआपुर में अपना आशियाना बना चुके हैं। यहीं पर बच्चों को लेकर के, अपने आप को लेकर के सभी लोग बैठे हैं और खाना भी बनाना है। बहुत सारी समस्याएँ इन लोगों के सामने आ रही हैं। क्या क्या समस्याएँ हैं, हमारे साथ जो ग्रामीण परमगोंडा के मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और तहसील प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा उनको क्या क्या मदद अभी तक उपलब्ध हो पाई है और किन किन समस्याओं से वो लोग जूझ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? शिव राम साहब। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोग सामने? अरे हमारे सबके साथ समस्या बहुत भारी है, बाढ़ है, उधर मकान कट गया है, रहने की कहूँ वतन नहीं। घर आपका इस बार कटा है? अभियान कटा है सर। अच्छा, दादी क्या नाम है? सरपंच। बताइए दादी, क्या दिक्कतें हैं इसमें? अरे भैया बैठे ही थकान नहीं है बच्चा को। अच्छा, सड़क पर परे है बच्चा। तो घर आपका इस बार कटा है? कटिया पूरा घर? हाँ पूरा घर कटिया। हम कहीं सबसे पूछ सकते हो, प्रधान से खुद ही पूछ सकते हो। अच्छा, प्रधान खुद बता सकते। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है? हाँ परेशानी होगा बहुत। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? शिव कुमार। इस समय आप लोग जो यहाँ विद्यालय में रुके हुए हैं, विद्यालय में प्रशासन द्वारा आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? सुविधा खाना वाना मिलता है और तिरपाल बांट गए हैं, भूसा दे गए हैं हर के लिए, यही सुविधा भी दे रहे हैं। अभी जगह वगैरह नहीं। आप जैसा देख सकते हैं कि ये जो मकान कटे हैं, इन लोगों ने आकर के अपना जो विद्यालय है उसमें अपना आशियाना बनाया, उसी विद्यालय में अपने घर की जो गृहस्थी का सामान है वो ला करके यहाँ पर रखे हैं। हम जानना चाहेंगे क्या नाम है दादा आपका? केतकी। केतकी, कब आप यहाँ आई थी? आज हम कहा गए 3 दिन आए। 3 दिन से आप यहीं हैं? 3 दिन में आप लोगों को जो प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा क्या क्या मुहैया कराया गया है? अरे जो सुविधा मिलती है खाने पीने के लिए मिलती है, और तिरपाल मिला, भूसा मिला, जो मान ले अब होत मिला सब कुछ, खाली जगह नहीं मिली के लिए बस, और सब कुछ मिला था। जैसा कि आप देख सकते थे और सुन सकते थे, सभी लोगों ने बताया कि ये लोग परमगोंडा के निवासी हैं। परमगोंडा पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और आपको बता दें कि अभी आपने देखा कि दादी के जैसे कि आंसू छलके, उनकी एक दर्द और पीड़ा, इतनी अंदर से भयानक पीड़ा है कि वो बयां नहीं कर सकती हैं। आप देखते रहिए आई इंडिया, कैमरामैन के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।